माय चैनल क्रिएटिव कुड़ी। सो आज की मेरी जो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो में इस जंप सूट का ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वाला जो जंप सूट है, आप देख सकते हो कि मैंने इसे टॉप के ऊपर कैरी किया हुआ है, बट आप चाहो तो आप इसे इस तरीके से भी पहन सकते हो विदाउट टॉप के। एंड इस जंप सूट को बनाने के लिए मुझे अप्रॉक्स 2.5 मीटर का कपड़ा लगा होगा। मेरी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है तो मुझे 2.5 मीटर के कपड़े लगे थे। अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है तो आपको अप्रॉक्स 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। और मैं एक अनाउंसमेंट और करने वाली हूँ कि अभी मेरी जितनी वीडियोस आएंगी वो अब दिवाली से रिलेटेड वीडियो आएंगी। एंड इन वीडियोस में मैं घर को डेकोरेट करने के कुछ टिप्स बताऊँगी बहुत ही स्मॉल बजट में। सो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेंगे। सो होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट। तो इस जंप सूट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू एंड वाइट कलर की इस तरीके की स्ट्राइप की फैब्रिक ली है जो 2.5 मीटर है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है इस जंप सूट को बनाने के लिए। अब मैंने इस जंप सूट को इस तरीके से फोल्डेड करके अपने टॉप के मेजरमेंट का कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग जो हमारी की है, तो हमारा जो टॉप, मैं जो टॉप काटने वाली हूँ उसकी जो मेजरमेंट है उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 10 इंचेस ली है। फोल्डेड पार्ट की मैंने 10 इंचेस पर मार्किंग की है एंड जो मेरा लेंथ है टॉप का वो मैंने 12 इंचेस पर मार्किंग की है। 12 इंचेस पर इसीलिए करी है मैंने मार्किंग क्योंकि टॉप की जो हमें लेंथ है वो शॉर्ट बनानी है, क्योंकि मैं ऊपर में स्ट्राइप्स लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की नेक को ड्रॉ करूँगी। तो नेक को ड्रॉ करने के लिए मैंने ऊपर से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क लगाया है एंड ऊपर की तरफ से सिर्फ हमें 2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि ऊपर में हम पतली स्ट्राइप्स ऐड करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 इंच ऊपर में मार्किंग की है एंड 4 इंच मैंने नेक ड्रॉ किया है एंड इसे भी हम इस तरीके से कर्व शेप में ड्रॉ कर लेंगे। एंड उसके बाद शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पे बस 1 इंच का गैप छोड़ा हुआ है। एंड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे अपने आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर ली है इस तरीके से एंड इसे भी मैंने कर्व शेप करके ड्रॉ कर लिया है। एंड जो मेरी टॉप की वहाँ से लेंथ है, मैं आप देख सकते हो कि वहाँ से लेंथ मैंने 9 इंचेस पे मार्क करी है एंड जो मेरा बॉटम वाला पार्ट है टॉप का उसे भी मैंने 9 इंचेस पे मार्क किया है एंड ऊपर की साइड मैंने 10 इंच पे मार्क किया था एंड उसे एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करके मैंने इस तरीके से मिला लिया एंड मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा जो टॉप है एंड मैंने इस तरीके से 2 स्ट्राइप्स भी बनाए हैं। तो 2 स्ट्राइप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच का फैब्रिक कट किया था एंड इसे डबल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। एंड अब मैं अपने टॉप को हेम करने के लिए मैं इनकी पट्टी कट करूँगी। तो पट्टी कट करने के लिए मैंने यहाँ पर मेरा बचा हुआ फैब्रिक यूज़ किया है एंड उसका जो ऊपर वाला पार्ट था मैंने टॉप के अकॉर्डिंग उसे कट किया है एंड उसके बाद मैं 2 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं उसी तरीके से एक और मार्किंग कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने टॉप की जैसे ही मार्किंग किया है एंड 2 इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने उसी पैटर्न में मार्किंग करी है एंड उसके बाद हम उसे कट कर लेंगे। एंड कट करने के बाद आप देख सकते हो कि वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम अपने टॉप में अपने स्ट्राइप्स को ऐड करेंगे। तो स्ट्राइप को मैं इस तरीके से अटैच करूँगी, आप देख सकते हो, एंड उसके ऊपर हमने जो फैब्रिक कट किया था उसे रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करके रखेंगे एंड फिर अपने नेक को हेम कर लेंगे। नेक को हेम कर लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड दोनों पार्ट्स को मैंने इसी तरीके से हेम करके अपने स्ट्राइप में अटैच कर लिया है। और उसके बाद जो टॉप है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड अब हम अपने टॉप में अपने फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो टॉप है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जो हमारा टॉप है मैं उसके मेजरमेंट उसके बॉटम से करूँगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो सिर्फ
16 इंचेस पे आ रही है एंड 16 इंचेस पे आने के बाद अब हम अपने पैंट को कट करेंगे। तो पैंट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे पैंट के फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड फोल्ड कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ओपन पार्ट है एंड एक क्लोज वाला पार्ट है। तो जिधर हमारा क्लोज वाला पार्ट था उधर मैंने टॉप को भी इस तरीके से डबल फोल्ड किया है एंड फोल्डेड पार्ट के ऊपर मैंने टॉप के फोल्डेड पार्ट को रखा है एंड उसके बाद हम अपने टॉप की मार्किंग कर लेंगे। तो टॉप यहाँ पे जब हमने फोल्ड किया है तो आप देख सकते हो कि टॉप की जो मार्किंग है वो 8 इंचेस पे आ गई है एंड पैंट पे हम 2 इंच का एक्स्ट्रा गैप देते हुए हम मार्किंग लेंगे। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट जो मेरे टॉप की मेजरमेंट थी वो 8 इंच पे आई थी एंड मैंने यहाँ पे 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क किया है एंड क्रॉच एरिया को ड्रॉ करने के लिए मैंने टॉप से मैंने यहाँ पे 12 इंचेस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है एंड उसका जो साइड था क्रॉच का हमारा जो साइड था वहाँ पे मैंने 2 इंच की मार्किंग करी है एंड 2 इंच की मार्किंग करने के बाद उसे भी हम एक कर्व शेप में ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से मैंने वहाँ पे भी एक कर्व शेप ड्रॉ करी। क्रॉच एरिया ड्रॉ करने के बाद जो हमारा क्रॉच एरिया था वहाँ से मैं बॉटम तक एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करूंगी जहाँ तक हमारा घेरा बनता है एंड उसे भी हम मिला देंगे इस तरीके से। एंड जो मेरी पैंट की लेंथ है वो 35 इंचेस है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पैंट की लेंथ डिसाइड कर लीजिए एंड अब हम उसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद जो हमारा जो पैंट का फैब्रिक था वो कुछ ऐसा शो होगा आपको। एंड अब हम अपने एक फैब्रिक को दूसरी साइड करेंगे एंड एक फैब्रिक को मैं राइट साइड की तरफ रखूंगी एंड दूसरे वाले फैब्रिक को मैं उसके ऊपर इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करके रखूंगी एंड दोनों को एक साथ एडजस्ट करने के बाद हम उनके क्रॉच एरिया की सिलाई लगाते हैं एंड बॉटम को भी हेम कर लेंगे। तो क्रॉच की सिलाई लगाने के बाद जो पैंट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड मैंने बॉटम की भी सिलाई लगा दी है एंड इसके बाद हम अपने पैंट को इस तरीके से सेंटर से पलटेंगे कि जो हमारा क्रॉच है वो मिडिल में आ जाए। तो हमारा जो पैंट है आप देख सकते हो कि पैंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम अपने पैंट से अपने टॉप को अटैच करेंगे। तो टॉप को अटैच करने के लिए मैंने अपने पैंट को इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ रखा है एंड जो हमारा टॉप है उसे मैंने राइट साइड की तरफ रखा है एंड जो हमारा टॉप का मिडिल वाला पार्ट था जो हमारा गैप था उसके अंदर मैंने टॉप को इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा पैंट का कॉर्नर वाला साइड था उसे हम अपने टॉप के कॉर्नर वाले साइड के साथ अटैच कर देंगे एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा मेरा जो टॉप है और जो मेरा पैंट है मैंने उसके कॉर्नर्स को अटैच कर दिया है। तभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना ज़्यादा गैप है हमारे टॉप एंड पैंट के फेब्रिक के बीच में। जो मेरा जो टॉप एंड पैंट था मैंने उसे भी सेंटर से अटैच कर दिया है। जो बीच का जो हमारा खाली वाला पार्ट था उस पर मैं इस तरीके से बॉक्स प्लीट बनाऊंगी। आप चाहो तो आप बॉक्स प्लीट भी बना सकते हो अदरवाइज आप छोटे छोटे प्लीट्स भी दे करके यहाँ पे इस गैप को फिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स प्लीट बनाई है। ये पैंट्स में ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहो तो आप स्मॉल प्लीट्स भी बना सकते हो एंड इसी तरीके से हम अपने पूरे टॉप के साथ पैंट को अच्छे तरीके से अटैच कर देंगे एंड उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ड्रेस है वो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड जो हमारे पैंट का ओपन वाला एरिया था उसे भी हम अच्छे तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। तो अटैच हो जाने के बाद जो हमारा पैंट जो हमारा जंपसूट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस पर हम अपने बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे बचा हुआ फैब्रिक यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बेल्ट की मोटाई यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे 5 इंच पे अपने स्ट्राइप्स को कट कर रही हूँ एंड छोटे छोटे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर पीस के भी फैब्रिक कट्स किए हैं उसे हम अपने बेल्ट के लिए अटैचेस बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से है एंड दो
एंड मैंने यहाँ पे दो अटैचेस लगा दिए हैं एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर बेल्ट को भी अटैच कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा जंप सूट है वो बन करके बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। सो होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इस वाले जंप सूट को आप किसी भी ओकेजन या फेस्टिव सीजन पे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।